will they resign? They will not. देखिए ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, जो छाती पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, हम तो उनसे नहीं कह रहे हैं, पर अगर उनके मन में है तो हटा दे। ये आज की दोहरी चरित्र आज का थोड़ी है जनाब। इस वक्त सारे भारत को गाली देंगे, भारत के पासपोर्ट पर बाहर जाएंगे, सारे कश्मीर को लग रहा है कि ये सारा ड्रामा है, भारत की सुरक्षा चाहिए। अधीर रंजन चौधरी का गाली ड्रामा लग रहा है, वो तो कह रहे हैं ये द्विपक्षीय बातचीत है। ये तो कांग्रेस का ये क्या ऑफिशियल स्टैंड है, क्योंकि नेता विपक्षीय बात बोल रहे हैं और सोनिया गांधी के बगल में बैठ के बोल रहे हैं। देखिए मुझे कांग्रेस की हालत पे कभी कभी वो कहावत याद आती है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई वाकी मति पहले हर ले। समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसमें बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली, क्योंकि अभिषेक मनु क्योंकि कांग्रेस पार्टी डिबेट का पार्ट नहीं है, वेटरन लॉयर है, सीनियर प्रवक्ता है। पहली बार कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन न्यूज एटीन इंडिया पे हम इस समय आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या अभिषेक मनु सिंह भी सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, सीनियर मोस्ट प्रवक्ता हम ये कह सकते हैं, 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभिषेक मनु सिंह भी का सीधा हम रुख कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो इस समय मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर स्पोक्स पर्सन अभिषेक मनु सिंह भी है, जो 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ ही साथ इस देश के नामी गिरामी वकीलों में से एक है। सिंघवी साहब, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड 370 पे क्या है, क्योंकि जनार्दन द्विवेदी, भुवनेश्वर कालिता जिसने बोला कांग्रेस अगर देशद्रोह की तरफ जाती है तो हम क्या करेंगे, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे कई नेता खुलकर इसे हटाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट कर इसका बड़ा विरोध जताया है। आखिर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पूरे विषय के ऊपर? आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इसलिए मुझे 2 मिनट दें जवाब देने के लिए। जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड वो होता है जो आधिकारिक प्रवक्ता जैसा कि मैं हूं वो कहे आपको, या जो AICC के पोडियम से कहा जाए, या जिस प्रकार से हमने वोट किया और उस वोट को आपने परिवर्तित देखा बटन में, जो रिजल्ट में, परिणाम में कल। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई संदेह नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता में इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए आप अलग अलग लोगों के मत प्रकाशित कर सकते हैं, और गणतंत्र बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है, कांग्रेस भी विशाल पार्टी है, बड़े कई लोग हैं, तो अलग अलग मत कहे होंगे, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आधिकारिक नाम ले रहा हूं, वो पूछ रहे हैं तो बड़ा सरल है, आधिकारिक मत है, आधिकारिक मत है, कोई वो छोटे कार्यकर्ता नहीं है, बड़े बड़े नेता है, मिलिंद देवड़ा, अश्विनी कुमार फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम सिर्फ विपक्ष में रहने के लिए विरोध नहीं कर सकते, देश हित में कई बार साथ आना पड़ता है। अश्विनी कुमार भी खुद बड़े जाने माने वकील हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा खुद का मत भी अलग हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं कि है जी, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है? आपने आधिकारिक मत पूछा जी, आधिकारिक मत है कि 370 में कानूनी रूप से गलत चीज की गई है, कानून का उल्लंघन हुआ है, सैद्धांतिक रूप से हमने उसका विरोध किया है, हमने उसके विरुद्ध वोट किया है, और आप किसी प्रदेश को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। नाउ इसमें मेरा निजी मत मैटर नहीं करता है, नहीं, ना आपका निजी मत, 370 की नहीं, और बाकी जो नाम लिया आपने सबका, आप सबका मत हो सकता है। नहीं नहीं, 370 क्योंकि बड़ा मुद्दा है इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आधिकारिक मत जो होता है वो सिर्फ प्रवक्ता का होता है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष है माना जाए, तो अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं ये बायलैटरल इशू है, यानी ये जो विषय है इसमें भारत आंतरिक डिसीजन ही नहीं ले सकता। अधीर रंजन चौधरी ने तो सदन में आज ये तक कहा। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा क्लैरिफाई भी किया, अगर उसका अभिप्राय ये है कि आंतरिक मामला नहीं है, ये मामला यूनाइटेड नेशंस का है, ये मामला कि हम क्या कानून पास करें हमारे संसद में वो पाकिस्तान और हमारे बीच का मामला है, तो मैं नहीं समझता कि ये सही होगा। कोई भी बोल दे, खुद राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो यही हमको कहना पड़ेगा। सिंघवी साहब आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, मैं किस तरह क्या बोल सकता हूं आपको, मैं क्या बोल सकता हूं आपको, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा ना। अधीर रंजन चौधरी सोनिया गांधी के बगल में बैठकर ये बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी पीछे बैठे हुए हैं, अब वो नेता प्रतिपक्ष है, संसदीय दल के कांग्रेस के नेता है वो वहां पर, अब बताइए, अब उनका बयान ऑफिशियल नहीं है, अश्विनी कुमार का बयान ऑफिशियल नहीं है, कांग्रेस के चीफ विप जो भुवनेश्वर कालिता थे उनका बयान ऑफिशियल नहीं है, जनार्दन द्विवेदी का ऑफिशियल नहीं है, तो किसको ऑफिशियल माने? ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से परमिशन लेनी चाहिए 370 हटाने के लिए हमें।
अच्छा, अभी आपका जो प्रश्न है वो मेरे उत्तर से तीन गुना लंबा है जी। एक दूसरा, मैंने जब ये कह दिया कि राहुल गांधी खुद भी अगर ये कहें कि ये कानून पास करना संसद के, भारतीय संसद का, वो यूएन का मामला है या बायलैटरल है या पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप होता है, तो मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। राहुल गांधी ने नहीं कहा है, खुद सोनिया गांधी अगर ये कहें तो वो भी मैं यही कहूंगा कि आधिकारिक मत सिर्फ वो है जो कांग्रेस कह रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधाभास दिखा रहे हैं, जो आपका हक है, अधिकार क्षेत्र है, पत्रकारिता का ये एक टेक्निक है, पत्रकारिता में रोचक बनती है, उसमें मर्च मसाला लगता है, और हमारे कुछ व्यक्तियों ने शायद अतिशयोक्ति की है, गलत कहा है, और क्या कह सकता हूं मैं। साहब वो है, आप, आ, 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 मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूं, मैं बिल्कुल आपकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, पॉलिटिकल मजबूरी का, लेकिन दो चीजें बढ़िया है। मैं, आपने बोला कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, कई बार विपक्ष में रहते हुए आपको विरोध से ऊपर उठना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि विरोध से ऊपर नहीं उठ पाई कांग्रेस पार्टी, वो भी एक बड़ी गलती है इतिहास के अंदर जो गिनी जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। देखिए, एक कहावत अंग्रेजी में भी है, कहावत हिंदी में भी है जी। हिंदी में उस शब्द को रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ा अच्छा कहा था, अकेला चलो, और अंग्रेजी में है लास्ट मैन स्टैंडिंग जी। ये दोनों क्या भावना कन्वे करते हैं, वो ये करते हैं कि जहां सिद्धांत की बात आती है, जहां आपको गलत लगता है, वहां आप अकेले भी हो तो खड़ा होना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताऊं, एक मिनट में, आपने कहा कि ये बहुत बड़ी भूल है, ये हो सकती है, जो आखिरी आदमी खड़ा होता है सिद्धांत में उसको ये चांस लेना पड़ता है, रिस्क की, भूल उसकी है या सामने वाले की। मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि किसी बड़े मुद्दे के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी की एक बड़ी लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की बड़ी लाइन इसलिए नहीं थी क्योंकि अध्यक्ष मिसिंग है, दूसरा राहुल गांधी ने रस्म अदायगी कर दी एक ट्वीट कर, अगर विरोध करना था तो राहुल गांधी को सदन में बोलना चाहिए था, प्रियंका गांधी वाड्रा को बाहर बोलना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ मिसिंग था क्योंकि टॉप लीडरशिप में ही कंफ्यूजन है। क्या कैन बी समराइज लाइक दैट? आपसे यहां तक सहमत हूं, यहां तक मैं आपसे सहमत हूं कि ये समय 3 महीने का कठिन समय है, जो 3 महीने बीत गए, मुश्किल का समय है, हमारे पास नेतृत्व नहीं है, और कई जो अपवाद आप देख रहे हैं, एबरेशंस देख रहे हैं, जो एक एक सहमति के साथ एक आवाज में जो सुनना चाहिए, जी, जी। वो नेतृत्व के अभाव का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया। लास्ट में चलते चलते एक ही सवाल मेरा होगा, अधीर रंजन चौधरी पर क्या पार्टी कोई कार्रवाई कर सकती है बड़ी आने वाले दिनों में? आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी खराब लाइन ली है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये लाइन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वो कई बार लाइन इतनी बाहर होती है कि लोग मान के ही चलते हैं कि न कांग्रेस का कभी ये व्यू हो सकता है, न कांग्रेस इसको अनुमति दे सकती है, जी जी जी, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये थे कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी, पहली बार उन्होंने टेलीविजन पर अपना रिएक्शन दिया है इस विषय को लेकर, और क्लियरली बोला कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी लाइन से बाहर की लाइन ली है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पार्टी